कर रहे हैं रिक्शे का। अभी मम्मी यहाँ पे सामान खरीदनी है। ये देखो यहाँ पे कपड़े मिल रहे हैं गाइस, भैया की शॉप देखो, भैया की शॉप पे सब कुछ सामान मिलता है। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी मैं ऊपर आई थी, भैया के ड्रॉअर में से वो लेने आई थी मैं मेमोरी कार्ड, तो मैंने मेमोरी कार्ड तो ले लिया। अब नीचे चलते हैं, नीचे नाश्ता रेडी है, तो पहले मैं यहाँ पे ताला लगा दूँ, उसके बाद चलते हैं नाश्ता करने। और आज हमें, और आज तो मेरा फेवरेट दिन है, आज हमारा वीडियो जा रहा है। और आज हमें भैया के यहाँ लोहड़ी का सामान भी देने जाना है, तो हम उनके घर तो नहीं जाएंगे, उनकी शॉप पे जाएंगे सामान देने। तो जल्दी से नीचे चल के नाश्ता करते हैं, ठंड तो बहुत पड़ रही है भाई, मुँह से भी धुआं निकल रहा है। मेरे बिना ही नाश्ता करने बैठ गए हैं। क्या बनाया है आज? छोले पूरी। छोले और पूरी, पूरी और छोले, ठंडा हो रहा तो जल्दी का, और चाय। सो गाइस नाश्ता तो कर लिया है, अब जल्दी से सफाई करते हैं। मम्मी अभी मटर छीलती है, तो माही भी आ गई है। सुबह सुबह, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं बोल रही थी कि आज हम वहाँ जा रहे हैं ना शादरा भैया को सामान देने, तो मैं सोच रही थी कि माही को भी ले जाती हूँ, तो मट्टो भी जिद कर रही है कि मट्टो को भी जाना है। मट्टो जाना है क्या? नहीं मैं सिर्फ माही को लेके जाऊंगी, क्योंकि माही बड़ी है और मट्टो थोड़ी छोटी है। तो वहाँ पे ना शादरा में ना बहुत गाड़ियाँ वगैरह भी चलती हैं, और वहाँ पे ना बहुत भीड़ रहती है, तो मट्टो का मुझे डर रहेगा, क्योंकि मट्टो मेरी बात भी नहीं मानती है। और जाना है क्या? नहीं, सिर्फ माही को लेके जाऊंगी। चलो गाइस मैं जल्दी से सफाई कर लेती हूँ। क्या बोल रही हो? नरसी का भात क्या होता है? तू लगा दे बस। क्या होता है? शुरू हो जाता है। नरसी का भात क्या होता है? तू लगा, हटा। नरसी का भात क्या होता है? लगा जल्दी। नरसी का भात क्या होता है? लगा। क्या होता है? क्या होता है? लगा फिर देगा। नहीं मैं नहीं लगा रही, अभी मुझे सफाई करनी है। गाइस ये देखो घर कितना फैला पड़ा है, ये सब फैला पड़ा है। तो आज मेरे संग माही है, तो माही मेरे संग काम करवाएगी। तो जल्दी से सफाई करते हैं, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपको नहाने के बाद। सो गाइस मैं तो नहा के आ गई हूँ, पूरी रेडी हो गई हूँ मैं, और अभी हम मम्मी का वेट कर रहे हैं। माही भी रेडी हो गई है, माही को लेके जा रही हूँ मैं, मटर ही जाएगी। अभी हम मम्मी का वेट कर रहे हैं, मम्मी गई है डेंटिस्ट पे, अभी मम्मी को आधा एक घंटा और लग जाएगा, जब तक हम खाना खा लेते हैं। माही आपने खाना खा लिया? ठीक है मैं भी खाना खा लेती हूँ, उसके बाद हम आग जलाएंगे, ठीक है? मट्टा तो मेरे से नाराज हो गई है, क्योंकि इसको हम लेकर नहीं जा रहे हैं। गाइस खाना बाद में खाएंगे, पहले आग जला लेते हैं। गाइस देखिए दीदी हवन कर रही है। सो गाइस ये देखो मैंने कितनी बड़ी आग जला दी है, जब तक मम्मी आएंगी ना मैं इसको अंदर रख लूंगी, कोयले बन जाएंगे इसके बढ़िया से। ओ भाई, और वो देखो माही के पीछे, माही हटियो, माही के पीछे देखो कितने सारे आलू रखे हैं, आलू भूनेंगे आज। सो गाइस मम्मी भी आ गई है, और मम्मी भी आ गई है, दोनों मम्मी आ गई है। मम्मी डेंटिस्ट का काम हो गया पूरा? पूरा नहीं हुआ अभी, तो दो तीन बार जाना है, वो आरसी हो रही है ना, वो है आरसीटी हो रही है, मम्मी की नसों का इलाज हो रहा है। अच्छा वो चलेगा, फिर बाद में कैप लगेगी। सो गाइस हम निकल गए हैं शादरा जाने के लिए, और मेरे संग जा रही है माही। माही कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा लगा है। सो गाइस अभी हम निकल चुके हैं, अभी हम वेट कर रहे हैं रिक्शे का, सड़क पे खड़े हैं हम। यहाँ पे ना जल्दी से शादरा के रिक्शे मिलते नहीं है, तो वेट कर रहे हैं हम, जल्दी से मिल जाए रिक्शा। एक रिक्शा आ गया। तो गाइस अभी वहाँ से हमें रिक्शा नहीं मिला था, तो हमें चलना पड़ा। मैंने मम्मी से पहले ही बोला था कि वहाँ से घर से आगे से रिक्शा मिलता नहीं है शादरा का। अब हम जा रहे हैं, मम्मी कहाँ की साइड जा रहे हैं? 212। हाँ अभी हम 212 की साइड जा रहे हैं पैदल चलते चलते। वैसे तो ठंड नहीं लग रही है, धूप निकल रही है ना, तो 212 पे पहुँचते हैं, वहाँ पे रिक्शा मिलेगा, तो चलते हैं जल्दी से। सो गाइस फाइनली हमें रिक्शा मिल गया है, इतना चलने के बाद, और इतनी इतने
वो करा और यहाँ पे देखो भीड़ बाजार लगना स्टार्ट हो गया है। मैं तो आ जा नहीं पाऊंगी क्योंकि हम लेट हो जाएंगे थोड़ा वहाँ से आने में, और माई की ट्यूशन का भी टाइम हो जाएगा। और यहाँ पे भीड़ बाजार लगना स्टार्ट हो गया है, देखो यहाँ पे भीड़ बाजार लग रहा है। मैं तो आ जा नहीं पाऊंगी यहाँ पे। सो गाइज अभी हम पहुँचे नत्थू चौक, नत्थू चौक से हम उतर गए। अभी यहाँ से हम शाहदरा का रिक्शा करेंगे। अभी मम्मी यहाँ पे सामान खरीद रही हैं जो हमें देने जाना है। देखो सो गाइज मम्मी ने सामान खरीद लिया है और ये देखो हाथ में मम्मी ने फुल्ले पकड़ रखे हैं। गाइज सामान तो हमने खरीद लिया है, फुल्ले भी खरीद लिए हैं, रबड़ी भी खरीद ली है, बस हमें लेनी है मूंगफली, है ना मम्मी? हमें मूंगफली लेनी है, मूंगफली हम वहीं शादी में जाके लेंगे। और हम अभी हम रास्ते में पहुंचने वाले हैं बस थोड़ी देर में। सो गाइस फाइनली हम शादरा पहुंच गए हैं। मूंगफली नहीं ली थी हमने वहाँ से, तो मम्मी अभी मूंगफली खरीद रही है, तो चलते हैं। और वहाँ तो आगे तो जाम मिलेगा हमें, इसलिए हम यहीं से खरीद रहे हैं। तो गाइस मम्मी ने सारा सामान ले लिया है, मूंगफली भी ले ली, फुल्ले भी ले लिए और रबड़ी भी ले ली ना। मूंगफली तो भैया हमारे यहाँ पे रबड़ी अभी मम्मी खरीद रही है। गाइस हम थोड़ा सा आगे चल के और मम्मी यहाँ से पेठा खरीदने लग गई है। अब हम पहुँच ही नहीं पा रहे हैं भैया की शॉप तक। सो गाइस हमने सारा सामान खरीद लिया है, अब हम जा रहे हैं भैया की शॉप पे। और यहाँ शादरा में यहाँ पे मार्केट ही मार्केट लगती है हर सामान की। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे कपड़े मिल रहे हैं और यहाँ पे क्रोकरी मिल रही है और यहाँ पे सारा सामान मिलता है। ये देखो पे चलते जा रहे हैं, सिर्फ चलते ही जा रहे हैं। यहाँ पे मार्केट है, भैया की शॉप तो बहुत आ गया है। सो गाइस फाइनली हम भैया की शॉप पे पहुँच गए हैं और हमें भैया भी मिल गए हैं, मम्मी ने सामान भी दे दिया है। लेकिन भैया तो बहुत ज़्यादा बिजी थे, भैया के पास कस्टमर आए हुए थे तो भैया सामान दिखा रहे थे। और ये भैया की शॉप है, मैं ये दिखाती हूँ ये क्या है वहाँ से ज़्यादा सही है यहाँ पे वहाँ पे। अरे ये देखो ये क्या है, ये तो चली नहीं ना, उतार कर रखा हो ना। भैया नितिन भैया कहाँ पर है? नितिन भैया घूमने गए। गाइस भैया की शॉप देखो, भैया की शॉप पे सब कुछ सामान मिलता है, बर्तन वगैरह। ये देखो भैया की इतनी बड़ी शॉप है और मम्मी तो यहाँ पे आके सामान खरीदने लग गई। गाइज मम्मी तो यहाँ पे आके सामान खरीदने लग गई। चलो गाइज, गाइज हमने भैया को सामान दे दिया, अब हम जा रहे हैं। चले गाइज, मम्मी ने यहाँ पे आके शॉपिंग कर ली है। मम्मी को वैसे तो साड़ी खरीदी थी, मम्मी ने कैंसिल कर दी और मम्मी ने कंचकों के लिए प्लेटें खरीदी। सो गाइज फाइनली हम घर पे आ गए। गाइज मुट्टो तो हमसे चिढ़ रही है। गाइज मैं तो जब से आई हूँ ना शादरा से, तो मैं तो जब से ही आग जला रखी थी प्राची ने, जब से ही यहीं बैठी हूँ और उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। क्योंकि बाहर से आई थी ना तो इतनी ठंड लग रही थी, बाहर बहुत हवा चल रही थी। और इसमें अभी हमने आलू भुने, एक आलू तो मेरा भुन गया है और एक आलू ये रहा। गाइज बहुत देर हो गई है आग पे बैठे बैठे, अंधेरा भी हो गया है और भैया पापा भी आने वाले हैं और मेरा एक पोपट हो चुका है। ये देखो मैंने आलू रखा था भुनने के लिए, ये तो पूरा कोयला हो गया है, पूरा कोला हो गया, ख़राब हो गया, इसको फेंकना पड़ेगा अब। और मम्मी ने चाय बना दी। और खाने में क्या बनाया आज? आज मम्मी बना रही हैं आलू और मटर, अभी इसका मसाला भुन रहा है, अभी कच्चा है मसाला। गाइज अंधेरा भी हो गया है और ना बाहर बहुत ठंड है, क्योंकि आज मैं शादरा गई थी ना, मुझे पता चल गया बाहर इतनी ठंड हो रही है। तो गाइस अब मैं इस ब्लॉग को यही एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो लाइक करना, हमारे चैनल फैमिली वाइब्स को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।